मेरी मुराद मौलाना शेख फयाज अहमद से है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। मुख्तरम सामईन व हजरात, मेरे काफले में कोई तंग नजर नहीं है, जिसे हो जहां की जरूरत वो यहीं से पलट जाए। मेरे काफले में कोई तंग नजर नहीं है, जिसे हो जहां की जरूरत वो यहीं से पलट जाए। हदीसों पे ताजगी है, सुन्नतों पे निखार है, मेरी जमात में आज भी जश्न बहार है। ये याद रखिए, पाकिस्तान की असेंबली का कोई भी मेंबर हो, खाव पीटीआई से हो, खाव नून लीग का कुत्ता हो, खाव पीपल पार्टी का हो, अगर कोई भी मंदिर की हमायत करेगा, अल्लाह की कसम है उसकी गर्दन उसकी तन से जुदा कर देंगे। दूसरी बार नोट फरमा लो, पाकिस्तान के कश्मीर मुसलमानों, बाबरी मस्जिद को जिन्होंने गिराया था, उन हिंदुओं ने पूरी कोशिश की कि हमने यहां मंदिर तमीर करना है, लेकिन मुसलमानों ने गर्दनें कटवा दी, मंदिर तमीर होने नहीं दिया। हमने अभी तुम्हारी गर्दनें कटानी नहीं है, अल्लाह की कसम है तुम्हारी गर्दनों को बुलंद करके हमने इस्लामाबाद की तरफ चलना है। चलोगे? और एक बात सुन लो, मैं ख्वाजा आसफ उसको मुखातिब करके कहता हूं कि ख्वाजा आसफ तुम मुसलमान असेंबली में बैठता है, इस्लामी जमहूरिया का तुम नुमाइंदा है, तो इस कदर बेगैरत है, बेहया है, तुम मर जाता, तुझे मौत आ जाती, लेकिन ये कलमा ना कहता कि मेरे नजदीक ईसाइयत और यहूदियत इस्लाम के बराबर है। ओ सुन लो, इन तीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अहले हदीस को जब भी जरूरत पड़ेगी, हमारे बच्चे भी हाजिर हैं, हमारा माल भी हाजिर है, हमारा खून भी हाजिर है, और इस पाकिस्तान के लिए हम लड़ेंगे, पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, इसकी सरहदों की हिफाजत करेंगे, पाक फौज के साथ मिलकर चलेंगे और उन गद्दारों का मुकाबला करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की असेंबली में बैठ के इस्लाम की मुखालफत की है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।